हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सीखा था सरगम के बारे में, सा रे गा मा प ध नी सा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इन सात स्वरों को सरगम कहते हैं। इससे पहले भी मैंने ये परिभाषा बताई थी ऑक्टेव के बारे में कि द ग्रुप ऑफ सेवन कीज इज कॉल्ड ऑक्टेव, सा रे ग म प ध नी। और जो वापिस सा आता है वो तार सप्तक यानी कि अपर ऑक्टेव का सा होता है। तो अब हम अलंकार के बारे में सीखेंगे। अलंकार का अर्थ है जब इन सात स्वरों को एक साथ गाया जाता है अलग अलग करके। इस सात स्वरों को जब हम प्रेजेंट करते हैं गाकर तो इनको अलंकार कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सा रे गा मा प ध नी सा नी ध प सारे गम पद निसा, इसको आरोह कहते हैं और जब इसी से वापस उतरते हैं तो इसको अवरोह कहते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो अब हम अलंकार सीखेंगे कि एक सा को दो बार गाते हैं, फिर इसी सा को तीन बार गाएंगे और अलग अलग। तो मैं गा रहा हूं और आपको इसका अभ्यास करना है घर पर। सा सा रे रे सा 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 नी नी ध द प प म म ग ग रे रे सा सा। ये हो गया पैटर्न नंबर एक। तो इस पैटर्न में हमने एक स्वर को दो बार गाया है। अब हम क्रम वाइज गाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। सा रे सा सा रे ग रे सा सा रे ग म ग रे सा सा रे ग म प म ग रे सा सा रे ग म प ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। तो ये हो गया पैटर्न नंबर दो। तो इसमें हमने इस पैटर्न में हमने क्रम वाइज गाया है, जैसे कि सा रे सा, फिर हम रे, पहले हम रे पे गए, फिर हम ग पर जाकर वापस आए, फिर हम म पर जाकर वापस आए, फिर हम प पर जाकर वापस आए। ऐसे करके हमने पूरा इसको सर्कल किया। ओके, अब हम तीन तीन स्वर का गाएंगे। सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा सा नी ध नी ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा सा नी ध नी ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा। तो आपको इन सब अलंकार का अभ्यास करना अच्छे से और आपको वापस वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। ओके, थैंक यू।